वंदे मातरम, आप देख रहे हैं पश्चिमांचल लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी सरकार ने रक्षाबंधन को देखते हुए रोडवेज की बस में फ्री यात्रा की सौगात दी है। यूपी की रोडवेज बसों में सभी महिलाएं 48 घंटे यानी 2 दिन बगैर कोई किराया चुकाए फ्री में यात्रा कर सकेंगी। यूपी सरकार के इस ऐलान के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी। प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण फैसले ले चुके हैं। 11 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रदेश की सभी माताओं और बहनों को राखी का बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल एक बार फिर से यूपी सरकार ने रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को मुफ्त सफर करने का फैसला किया है। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाएं 48 घंटों तक निशुल्क आवागमन कर सकेंगी। महिलाओं के लिए यह निशुल्क बस सेवा 48 घंटे के लिए उपलब्ध रहेगी। राज्य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार यह सेवा 10 अगस्त रात 12 बजे से लेकर 12 अगस्त रात 12 बजे तक लागू रहेगी। प्रदेश सरकार इससे पहले भी रक्षाबंधन पर महिलाओं को निशुल्क बस सेवा देती रही है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने कानपुर लखनऊ अयोध्या रूट पर अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला लिया है। हालांकि इस दिन इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन की बजाय निशुल्क यात्रा के मैनुअल टिकट बनाए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद से सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने जा पाएंगी, जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के चलते नहीं जा पा रही थी। सरकार की इस योजना से हर महिला बेहद प्रसन्न है। यूपी सरकार ने रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए रोडवेज की बस में फ्री यात्रा की सौगात महिलाओं को दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट कर इस बात का ऐलान किया है। यूपी की रोडवेज बसों में सभी महिलाएं 48 घंटे यानी कि 2 दिन बगैर कोई किराया चुकाए फ्री में यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट में ये लिखा और कहा कि उत्तर प्रदेश में हम लोग बहुत जल्द ही 60 साल से ज्यादा उम्र की माताओं और बहनों के लिए यूपी रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा की व्यवस्था लागू करने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस ट्वीट के बाद एक और ट्वीट किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस दूसरे ट्वीट में ये लिखा कि महिलाओं के लिए रक्षाबंधन गिफ्ट का ऐलान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में ये कहा कि उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन के मौके पर सभी माताओं बहनों और बेटियों को अगले 48 घंटों के लिए सरकारी बसों में बगैर कोई किराया दिए फ्री यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में ये जानकारी भी दी कि ये व्यवस्था कब से कब तक लागू रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के मुताबिक यूपी रोडवेज की बसों में सभी महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की व्यवस्था 10 की आधी रात यानी कि 12 बजे से लेकर 12 अगस्त तक रात 12 बजे तक लागू रहेगी। यूपी सरकार के इस ऐलान के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी। यूपी रोडवेज ने रक्षाबंधन को लेकर मेरठ गाजियाबाद क्षेत्र में 250 अतिरिक्त बसों के परिचालन की भी ऐलान कर दिया था। यूपी रोडवेज की 250 अतिरिक्त बसों का परिचालन कौशाम्बी डिपो से होगा। यूपी रोडवेज की इस पहल से मेरठ गाजियाबाद के साथ ही नोएडा और दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। वही सीएम योगी आदित्यनाथ के रक्षाबंधन के इस तोहफे से माता बहने काफी खुश हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।